आज मैं बनाऊंगी एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट और टिप्स और ट्रिक्स के साथ गुलाब जामुन और स्टफ़ काला जामुन की रेसिपी। और इस तरह से गुलाब जामुन अंदर से एकदम जूसी बनाने के लिए परफेक्ट चाशनी भी बनाएंगे, और गुलाब जामुन और काला जामुन में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स की कंप्लेंट होती है कि गुलाब जामुन अंदर से हार्ड हो जाते हैं, फट जाते हैं या ऊपर से बिखर जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो उसके लिए सारे स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखें। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है गिट्स गुलाब जामुन का प्रीमिक्स। आज हम इस प्रीमिक्स से ही गुलाब जामुन बनाएंगे, क्योंकि 10th अक्टूबर को गिट्स मना रहा है वर्ल्ड गुलाब जामुन डे, तो गुलाब जामुन बनाना तो बनता है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम वाला गुलाब जामुन का पैकेट लिया है, जिसमें से 30 से 40 गुलाब जामुन बनते हैं। इस प्रीमिक्स में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया जाता है, और हाइजीन पर्पज़ के लिए इसे मल्टी लेयर पैक किया जाता है। अब प्रीमिक्स को एक बार मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर वाला लेंगे, और पैकेट के पीछे भी सारी डिटेल्स दी हुई है, कितना दूध लेना है, कितना चीनी लेनी है, कितना पानी लेना है। ये मैंने मेज़रिंग कप से प्रीमिक्स को माप लिया था, तो 2.25 कप है, और इसमें दूध 120 ml जितना दूध जाएगा। तो अब 1 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी और 1 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोटल मैंने यहाँ 120 से 125 ml दूध का यूज़ किया है, और डो हमें इसी तरह नरम रखना है। और ये प्रीमिक्स में दूध ऐड करने के बाद हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, इस तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 3 कप चीनी लेंगे, यानी 600 ग्राम चीनी लिया है। अब इसमें 640 ml पानी लेना है, तो 3.5 कप जितना पानी ऐड करेंगे, और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे, जिससे चीनी जल्दी से घुल जाएगी। गुलाब जामुन के लिए चाशनी हमें एक तार वाली या दो तार वाली नहीं करनी है, पहले हमें चीनी पानी में घुल जाए तब तक पकाना है। और चीनी घुल जाने के बाद गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकानी है। और देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे, जिससे जो चीनी में गंदगी होगी वह चाशनी में ऊपर आ जाएगी। तो अभी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे, तो इस तरह देखिए जाली की मदद से जो भी गंदगी है वो निकाल देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर दूध में घोला हुआ ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड करेंगे, जिससे चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और अभी हम चाशनी को चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह उंगली पे जैसे ऑयल लगा है वैसा लेयर होगा। हमें एक तार वाली जैसी चाशनी नहीं करनी है। अब गैस बंद कर देंगे और चाशनी को ढक देंगे, जिससे चाशनी गर्म रहेगी। अब मैंने यहाँ गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए गिट्स का प्योर गाय का घी लिया है। वैसे आप चाहो तो गुलाब जामुन को ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, पर कोई भी स्वीट डिश आप घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और बहुत ही अच्छी घी की खुशबू भी आ रही है। अब गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने इस तरह की थोड़ी डीप वाली कढ़ाई ली है, क्योंकि गुलाब जामुन घी में अच्छे से डीप हो जाए और फ्राई कर सके। अब घी को हम कढ़ाई में डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख देंगे। देखिए 15 मिनट में अच्छे से सेट हो चुका है, और ये थोड़ा सा सेट हो जाने के बाद देखिए ड्राई हो जाएगा और हाथ में चिपचिपा भी नहीं लगेगा। और ये गुलाब जामुन के प्रीमिक्स को हमें जैसे रोटी के आटे के जैसे मसल मसल कर गूंथना नहीं है, सिर्फ आटे को मिक्स करना है। अब हाथ को घी से थोड़ा ग्रीस करके सब आटा एक साइड कर लेंगे, और आटे की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, इस तरह थोड़ा सॉफ्ट आटा रखेंगे। अगर हार्ड होगा तो गुलाब जामुन फ्राई करने वक्त फट जाएंगे, तो अगर हार्ड हो जाता है तो 1 से 2 टेबलस्पून आप दूध ऐड करेंगे। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और 2 हाथों के बीच में रब करके इस तरह छोटे छोटे गोले बनाएंगे।
इस तरह गोल बनाने वक्त भी ध्यान रखना है कि हमें मसल मसल कर गोल नहीं करना है, दो हाथ के बीच में रब करके ही गोल बनाना है और ये बॉल्स के ऊपर एक भी क्रैक नहीं रहनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ 12 से 15 बॉल्स बना दिए हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए घी का टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह थोड़ा सा आटा घी में डालने के बाद इस तरह हल्के बबल्स आने चाहिए, यानी घी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना है और गैस की फ्लेम भी एकदम स्लो रखनी है। अब एक एक बॉल्स घी में डाल देंगे। अगर गुलाब जामुन हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से कलर तो आ जाएगा पर अंदर से हार्ड गोली बन जाएगी, गुलाब जामुन फट भी जाएंगे और ऊपर से बिखर भी जाएंगे। तो गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है। अब गुलाब जामुन को हमें पलट पलट कर फ्राई नहीं करना है, इस तरह घी में जाली से मिक्स करते रहना है जिससे ये गोल गोल बॉल्स है वो सारी बाजू से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो हमें बॉल्स को पलट पलट कर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी पलट पलट कर फ्राई करने से ये बॉल्स इवनली फ्राई नहीं होंगे, यानी एक बाजू डार्क कलर होगा दूसरी बाजू लाइट कलर होगा वैसा फ्राई होगा। तो हमें फ्राई करने में दो चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और इस तरह जाली से घी में मिक्स करते जाना है तो सारे बॉल्स इवनली फ्राई होंगे और कलर भी सारी बाजू से अच्छे से आ जाएगा। और एक बैच फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लगेगी। देखिए 6 से 7 मिनट में एक बैच फ्राई हो चुका है। देखिए इस तरह थोड़ा ब्राउन कलर हो जाए तब तक फ्राई करना है। अगर इससे भी आप लाइट फ्राई करेंगे तो चाशनी में डिप करने के बाद कलर थोड़ा और लाइट हो जाएगा, इसलिए इस तरह ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए चाशनी भी अभी गर्म है तो इसमें ये सारे बॉल्स चाशनी में डिप कर देंगे और ढक्कन से ढक देंगे जिससे ये जल्दी से अच्छे से फूल जाएंगे। अब काले जामुन बनाने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून पिस्ता को बारीक काट के लिया है और 2 टेबलस्पून बादाम को काट कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर दूध में घोल कर लिया है, उसे अभी ऐड कर देंगे। और जो हमने गुलाब जामुन का प्रीमिक्स मिक्स किया था उसमें से 1.5 टेबलस्पून प्रीमिक्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे स्टफिंग में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। वैसे आप चाहो तो स्टफिंग के भी इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हो या फिर डायरेक्ट भी आप स्टफिंग कर सकते हो। अब काले जामुन बनाने के लिए डो थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इस तरह हाथ में थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और बीच में हम जो ड्राई फ्रूट का स्टफिंग बनाया है वो ऐड करेंगे और जैसे हम कचौरी फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह गोल गोल बनाएंगे। और इस तरह गोले बनाने वक्त ध्यान रखना है कि एक भी क्रैक नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे तो गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और एक बैच में हम 7 से 8 जामुन को फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो फ्राई करने वक्त फट जाएंगे। देखिए इस तरह हल्के हल्के जाली से हम घी में मिक्स करेंगे जिससे सारे जामुन सरफेस पे आ जाएंगे और फ्राई करने वक्त हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। अब इस तरह जाली से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह एक बार गुलाब जामुन के जैसे कलर आ जाने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे जिससे काले जामुन का काला कलर आ जाएगा। पर गुलाब जामुन फ्राई करने वक्त हमने स्लो फ्लेम रखा था, वैसे ही फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये काले जामुन हार्ड हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। अब देखिए ये जो हमने गुलाब जामुन चाशनी में डिप किए थे वो थोड़े फूल गए हैं। अब जो काले जामुन भी हमने फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देंगे और ढक्कन से ढक देंगे और दूसरा बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मैंने बहुत बार गिट्स के प्रीमिक्स से गुलाब जामुन बनाए हैं और हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं हमेशा गिट्स ब्रांड का गुलाब जामुन के पैकेट का ही यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे घर में कोई त्यौहार या सेलिब्रेशन होता है तो मैं गिट्स ब्रांड का पैकेट का ही इस्तेमाल करके गुलाब जामुन बनाती हूँ और हमेशा बेस्ट रिज़ल्ट ही मिलता है। अब जो हमने दूसरा बैच फ्राई किया था उसे भी हम चाशनी में ऐड कर देंगे और जो गुलाब जामुन हमने पहले चाशनी में ऐड किए थे वो फूल गए हैं, उसे हम थोड़े साइड में कर देंगे और जो अभी हमने ऐड किए हैं उसे हम चाशनी में डिप कर देंगे। और गुलाब जामुन जब भी चाशनी में ऐड करें तब चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब 2 से 3 घंटे के बाद देखिए गुलाब जामुन अच्छे से फूल गए हैं, यानी गुलाब जामुन ने चाशनी अच्छे से सोक कर लिया है। अगर गुलाब जामुन अच्छे नहीं बने होंगे तो चाशनी भी अच्छे से सोक नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक गुलाब जामुन पास से भी दिखाती हूँ। देखिए प्रेस करने से पता चल जाता है कि अंदर से कितने जूसी बने हैं। मैंने आज के वीडियो में आपको गुलाब जामुन और काले जामुन में क्या डिफरेंस है वो भी दिखा दिया। देखिए प्रेस करने से ही पता चलता है कि कितने अंदर से जूसी बने हैं, यानी चाशनी अंदर तक
सोक कर लिया है, अब कट करके भी देख लेंगे। गुलाब जामुन अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बने हैं और ना ही अंदर से कोई हार्ड गोली बनी है। अब काले जामुन को भी कट करके देख लेंगे। देखिए काले जामुन भी अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी गिट्स के प्रीमिक्स से गुलाब जामुन एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। अगर आप भी गिट्स के गुलाब जामुन के पैकेट परचेस करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से आसानी से ऑर्डर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।